ये है जी गोरखनाथ जी के मठ का जो एंट्रेंस है वो, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये मठ का एंट्रेंस है। और यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि को जो है ना बहुत बड़ा मेला भरता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मुंबई तक के, मतलब गुजरात मुंबई बहुत दूर दूर से बता रहे हैं। चलिए अभी खैर वो तो हम नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी आप लीजिए इस मठ की एक झलक, और हम करेंगे कोशिश कभी आने की, उस समय अगर हमें मौका मिला तो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोती सिंह है। मोती सिंह जी, मठ के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज है। काफी पुराना है, 500 अच्छा। साल पुराना मठ है। 500 साल पुराना है। इसका सहजनाथ जी की स्थापना की थी। सहजनाथ जी ने? सहजनाथ जी ने। ये नहीं पता कब करी थी, 500 साल पहले? 500 साल पहले सबसे सहजनाथ जी ने की थी। ठीक ठीक। पहले से पाकिस्तान से राताकोट, अच्छा वहाँ से आए हुए। अच्छा सहजनाथ जी जी पाकिस्तान से आए थे, तब यहाँ उन्होंने स्थापित किए थे। ठीक है ठीक है। इसका चमत्कार ऐसा है, एक बार क्या हो, गाय मर गई थी, तो गाय मर गई, बछड़ा छोड़ा रणाऊ के गांव जी, पूछी मैं दूध निकाल सिद्ध सच्चे बाप जी, गाय के बछड़े के पूछ में से दूध निकाल दिया। अच्छा ऐसे चमत्कार ये, जैसे धाते उसका फल और मनोकामना पूरी होती है, तो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। महाशिवरात्रि का मेला लगता है धूमधाम से, दलवाते भगत लोग। तो उसके बाद से कितने गोरखनाथ जी हुए? कितने मात्र? ये 7 पीढ़ी। कितने गुरु? ये 7वें गुरु जी हैं? 9वीं पीढ़ी गुरु जी। 9वीं पीढ़ी है जो अब गुरु जी हैं। 7 पीढ़ी पाकिस्तान में और 9वीं पीढ़ी वर्तमान जी गोरखनाथ जी। अभी वहाँ पर पाकिस्तान में भी है? अभी पाकिस्तान भी है। उनका गोरखनाथ जी का शिष्य है शंकरनाथ जी, वो संभालते हैं। वो संभालते हैं जी। वो कहाँ पर? पाकिस्तान रताकोट। रताकोट सांगड़ जिला। अच्छा तो आप भी वहाँ पर गए हैं कभी? नहीं गए, गुरु जी गए हैं। सिर्फ गुरु जी जाते हैं जी, पासपोर्ट से जाते हैं। अच्छा यहाँ से कोई शिष्य नहीं जाता या कुछ नहीं? जाते हैं लेकिन पासपोर्ट से जाते हैं। अच्छा पासपोर्ट से जाते हैं लोग, वीज़ा लगता है वो तो पाकिस्तान जाने का जी। ठीक है। तो अभी महाशिवरात्रि पे मेला लगेगा, भरेगा, तो कहाँ कहाँ से आते हैं श्रद्धालु यहाँ पे? कितने लोगों के, मतलब जिससे दूर दूर से आस्थाएँ बता रहे हैं यहाँ लोग? काफ़ी, कम से कम 20-25 हज़ार लोग आते हैं। 20-25 हज़ार लोग जी। एक ही दिन का मेला होता? वो एक दिन का मेला पहले लगता है बाड़मेर मठ में, नेहरू नगर में। अच्छा बाड़मेर में भी मठ है? बाड़मेर। उसके बाद में यहाँ से 20 किलोमीटर सचानाथ जी का मठ है। अच्छा वो किस जगह है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कौन से गांव में? सचानाथ जी का मठ है, 2 गांव में। अच्छा और ये कौन सा गांव है? ये म्याजदार गांव है, ख्याला मठ, जैसलमेर से करीब 110 किलोमीटर दूर। तो यहाँ आने के लिए जैसलमेर से सीधा रास्ता ये सम हो के ही है? म्याजदार से सीधा है। अच्छा म्याजदार सीधा है, ठीक है। तो ये है जी गुरु गोरखनाथ जी का जो मठ, अभी भी बहुत ही शांत वातावरण, खाली है पूरा, कोई नहीं है यहाँ पर। देख सकते हैं आप मोर हैं। तो ये मठ बहुत ही अच्छा है। जो अभी प्रेजेंट के गोरखनाथ जी हैं उनके भी दर्शन हुए हमें, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एरिया है ये गोरखनाथ जी का जो मठ है। अभी चल रही है इस पर कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं। ये तालाब किधर है? इधर आजा। ये गोरखनाथ जी का दूना। तालाब किधर है? इसी पीछे। ये इस मठ के पीछे जो है तालाब,